आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों, प्रवासी मजदूरों और व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा। 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए रियायती दर पर प्राप्त होगा 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण। विशेष आर्थिक पैकेज के जरिए रेहड़ी फड़ी व्यापारियों को मिलेगी 5,000 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सुविधा। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 माह मिलेगा प्रति व्यक्ति 5 किलो आटा या चावल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की घोषणा। अब देश के 27 राज्यों के लोग किसी भी राज्य में राशन डिपो से उचित मूल्य पर ले सकेंगे राशन। 2021 तक सभी राज्यों में ये सुविधा देने का लक्ष्य। भारतीय तटरक्षक बल में 3 जहाज हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जहाजों को सौंपा तटरक्षक बल के लिए। वंदे भारत मिशन निरंतर जारी। एयर इंडिया के विमान से आज अमेरिका के न्यूयॉर्क से दिल्ली और न्यूयॉर्क से हैदराबाद के लिए स्वदेश लाए गए भारतीय। कल से 22 मई तक चलेगा वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण। समुद्र सेतु अभियान का दूसरा चरण जारी। आज मालदीव से 700 भारतीयों को लेकर कोची से रवाना हुआ INS जलाशय। भारतीय जनता पार्टी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को राज्यों में प्रवेश न देने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से किया सवाल। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, पश्चिम बंगाल ने मात्र 9 ट्रेनों और छत्तीसगढ़ ने केवल 10 ट्रेनों को दी है राज्य में प्रवेश अनुमति। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 82,000 के पास। मृतकों की संख्या हुई 2,650 के पार। करीब 28,000 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। उत्तराखंड में पूरे विधि विधान के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। मुख्य पुजारी, धर्माधिकारी सहित पूजा स्थलों से जुड़े 28 लोग ही हुए शामिल।